जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम कराएंगे। यदि आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित यानी रेटेड होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति बिजली और वोल्टता यानी शक्ति और वोल्टता पर जो है अर्धित होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दो है, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, विद्युत रोधी। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। अतः अनंत वैद्युत प्रतिरोध होने पर पदार्थ विद्युत रोधी हो जाता है। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, असीमित। सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। प्रश्न नंबर चार है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, असीमित होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो होती है वो असीमित होती है। प्रश्न नंबर पाँच है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नरम लोहे का। चुंबक रक्षक जो होते हैं वो नरम लोहे के टुकड़े होते हैं। प्रश्न नंबर छः है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं, इनमें से क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिकारी। एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। प्रश्न हमारा अगला है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एकल ट्रांजिस्टर जो है, एकल ट्रांजिस्टर नॉट गेट इसके द्वारा क्रियान्वित होता है। डिजिटल लॉजिक के संदर्भ में नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। नॉट गेट को एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर आठ है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कांच। कांच जो है सबसे बढ़िया जो है इंसुलेटर होता है। प्रश्न नंबर नौ है, उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, निलंबन प्रकार का जो इंसुलेटर होता है उसका प्रयोग उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर दस है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी होगा, अर्धचालक। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे अर्धचालक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लवण जल जो है विद्युत का चालक है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से क्या सो पानी परिमाण है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वेग, बी बल, सी कोणीय संवेग, डी स्थिर वैद्युत विभव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, स्थिर वैद्युत विभव जो है ये सोपान परिमाण है। स्थिर वैद्युत विभव एक अधिश राशि है। अधिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तांबा। घरेलू विद्युत केबल में तांबा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 14, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, आप इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए है प्रतिरोध कम हो, बी गलनांक कम हो, सी विशिष्ट घनत्व कम हो, डी चालकत्व कम हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, गलनांक कम हो। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी हो जिसका गलनांक बहुत कम हो।
प्रश्न भी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15 है, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अर्धचालक के बारे में ओम का नियम जो है सही है। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की अनुक्रमानुपाती होता है, ये ओम का नियम है। प्रश्न नंबर 16 है, एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लोहा, बी गैस, सी कॉपर सल्फेट, डी पारद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट जो है एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, इलेक्ट्रॉन से। धातु के तार में बिजली का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत चालक पदार्थ है। प्रश्न नंबर 19 है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए दिया है, धनात्मक आवेशित, बी विद्युती, निष्प्रभावी, सी वैकल्पिक रूप से धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशित, डी ऋणात्मक आवेशित। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विद्युत निष्प्रभावी जो है धारा का वहन करने के समय सुचालक विद्युती निष्प्रभावी होता है। प्रश्न नंबर 20 है, धारावाहक चालक किसके किससे संबद्ध होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, धारावाहक चालक विद्युत क्षेत्र से संबद्ध होता है। प्रश्न नंबर 21 है, धारावाहक तार कैसा होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, न्यूट्रल, धारावाहक तार न्यूट्रल होता है क्योंकि धारावाहक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता रहता है, धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी समाप्त हो जाता है, इसीलिए न्यूट्रल जो है धारावाहक तार जो है न्यूट्रल होता है। प्रश्न नंबर 22 है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए संकलन, बी संयोजन, सी आसंजन, डी श्रृंखला बंधन। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, संयोजन कहलाता है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया संयोजन कहलाती है। प्रश्न नंबर 23 है, प्रतिरोध तरंग कोड में चौथा बैंड किसका द्योतक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सहायता स्तर, बी 10 की शक्ति, सी प्रतिरोध का कुल मान, डी प्रतिरोध का पदार्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए वाला, सहायता स्तर जो है प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड सहायता स्तर दूत का द्योतक होता है। प्रश्न नंबर 24 है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता जा सकता है क्योंकि। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, समान जल विद्युत धारा का सुचालक है, इसलिए यदि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाएगा तो उससे इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली का झटका लगने से मौत हो सकता है, इसीलिए जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 25 है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कॉपर। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कॉपर है जिससे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। समांतर अत्यधिक सुचालक धातु जैसे कॉपर का प्रयोग तड़ित चालक के लिए निर्माण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गैस प्लाज्मा जो है CRT का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 27 है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो इनमें से किसका पता लगाया जाता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, बी ऊर्जा, सी धारा, डी ताप। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, धारा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है धारा का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, डायनमो एक यंत्र है जो। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो यांत्रिक ऊर्जा के को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
यानी डायनमो जो है एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 29 है, बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए धारा, बी वोल्टता, सी प्रतिरोध, डी उपयुक्त सभी, तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। बहुल मापी का प्रयोग इन सभी को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की जो है वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।